हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस टिगर। गाइस, दिस इज अवर नेक्स्ट रिवीजन सीरीज ऑफ क्लास 12th चैप्टर 3। दिस इज अबाउट गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस आप जानते ही हैं क्या होता है, गैमेट्स का बनना। एंड व्हाट गैमेट्स? स्पर्म्स एंड ओवम। मेल में बनते हैं स्पर्म्स एंड फीमेल में बनते हैं ओवम, जिसके फ्यूजन से आगे बेबी का फॉर्मेशन होता है, नेक्स्ट जनरेशन बनती है जैसे। ओके, आगे क्या बताया हुआ है गैमेटोजेनेसिस में? इन टेस्टिस इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। सो ये जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो किस प्रोसेस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, उस प्रोसेस का नाम बताया हुआ है यहाँ पर, स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? टेस्टिस में। ऑब्वियसली टेस्टिस में प्रोड्यूस होंगे, इसके बारे में बताया था ना, टेस्टिस में कैसे प्रोड्यूस होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था। आइए एक सेकेंड रिमाइंड कर लेते हैं उसको। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ये रहा। एंड टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड भूलने वाली बात नहीं है ये बिल्कुल भी गाइस। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो मैंने आपको एक कहानी से ये तरीका पूरा समझाया था, इन तीन चार नामों को आप कैसे याद कर सकते हैं, उसके बाद जो ऐसे से डिडक्ट थी उसके लिए भी मैंने आपको बहुत ही मज़ेदार ट्रिक भी बताई थी। सो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और इसको तो आप कहानी से याद कर लेने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, अगर आप वीडियो देख लेते हैं साइंस चेकर चैनल पर। ओके, सो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ कि मैंने आपको क्या कहानी बताई थी। ये कहानी थी, हमने सोचा था कि जो टेस्टिस हैं, देखिए मैंने लिखा हुआ है ये रहा, टेस्टिस क्या है? एक घर है जिसके अंदर 250 कमरे हैं, ऐसे बताया था ना, और उन कमरों का नाम टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है। जैसे ये टेस्टिस है, इसके अंदर 250 कमरे हैं, एंड इन कमरों का नाम क्या है? टेस्टिकुलर लोब्यूल। एंड उसके अंदर क्या है, हर कमरे में 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल रहते हैं। हमने माना था ये 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कौन है? ये इंसान है, लोग हैं, एंड यहीं पर स्पर्म्स बनते हैं। सो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं ना। अब फिर हमने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की सेल्स के बारे में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप की सेल होती हैं, मेल जर्म सेल एंड सर्टोली सेल्स। तो अभी हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? यही तो पढ़ा कि मेल जर्म सेल्स के बारे में। देखिए यहाँ पर यही लिखा था, फिर से स्टार्ट हुआ था, दैट इमेच्योर मेल जर्म सेल्स स्पर्मेटोगोनिया प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म्स, ए प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा, दैट बिगिन एट दी प्यूबर्टी, जो कि प्यूबर्टी पे शुरू हो जाता है। ओके, सो आई थिंक अब ये लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो इसी तरह से अगर हम कंपैरिजन करके पढ़ते जाते हैं तो वो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता, एंड पीछे वाला भी सब क्लियर होता जाता है। ओके, सो गाइज यहाँ से स्टार्ट होता है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। एंड इसके बाद क्या बता दिया इसने? स्पर्मेटोगोनिया, डायरेक्ट स्पर्मेटोगोनिया के बारे में बता दिया। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो नीचे बताया हुआ है यहाँ पर। ओके, सो हम इसके बारे में पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ओके, पहले अभी इसको छोड़ देते हैं, बीच वाले एरिया को, इसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे। ओके, सो स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है कि ये प्यूबर्टी की एज पर स्टार्ट होता है। ऊपर भी यही लिखा था कि ये प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है। एंड ये प्यूबर्टी पर स्टार्ट क्यों होता है? सो इसके आगे लिख रहा है, ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन दी सीक्रेशन ऑफ गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन। जो गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में GnRH भी कहा जाता है, वो प्यूबर्टी पर इंक्रीज होने लगता है, इंक्रीज हो जाता है इसका सीक्रेशन। एंड ये क्या है? ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। ओके, द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH एक्ट एट द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये जो GnRH है ये इंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, एंड क्या करता है, ये 2 गोनेडोट्रोपिन्स को स्टिमुलेट करता है। वो 2 गोनेडोट्रोपिन्स कौन कौन से हैं जो स्टिमुलेट होते हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, सो ये दोनों सीक्रेट होने लगते हैं, एंड क्या करते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है लेडिक सेल पर, ये लेडिक सेल पर एक्ट करता है एंड सिंथेसिस और सीक्रेशन करता है एंड्रोजेंस का। एंड इसके बारे में भी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़कर आए हैं, अभी मैं आपको बैक ले जाकर रिमाइंड कराऊंगी। आगे देख लेते हैं, ये क्या करता है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस करता है, एंड जो फेलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये सर्टोली सेल पर एक्ट करता है। और सर्टोली सेल क्या करती है? सर्टोली सेल जानते हैं आप, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। सो ये सर्टोली सेल पर काम करेगा एंड स्टिमुलेट करेगा सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर विच हेल्प इन प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। ये उन फैक्टर्स को मैं मदद करेगा जो कि स्पर्मियोजेनेसिस करते हैं। एंड स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस होता है मैचुरेशन होना स्पर्मेटिड्स का स्पर्म्स में। ओके, सो FSH जो है स्पर्मियोजेनेसिस में मदद करता है।
सो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लेडिक सेल के बारे में देख लेते हैं। सो लेडिक सेल के बारे में बताया था मैंने आपको, देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लेडिक सेल्स क्या होती हैं। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो रीजन होता है, खाली स्पेस होता है, उसे कहा जाता है लेडिक सेल। एंड ये लेडिक सेल क्या करती है, एंड्रोजन्स का सीक्रेशन करती हैं। ओके सो यहाँ पर यही है कि ये लेडिक सेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल्स पर काम करती हैं और एंड्रोजन्स का सीक्रेशन होता है और ज्यादा, जिससे कि क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ओके गाइस, अब हमने जो छोड़ दिया था उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या छोड़ दिया था हमने, स्पर्मेटोगोनिया के बारे में, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ लिया, कैसे हॉर्मोन सीक्रेट होते हैं इसके बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे स्पर्मेटोगोनिया ये स्पर्म्स कैसे बनाती हैं। ओके सो स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की इनसाइड वॉल पर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ होती हैं पता है आपको, रिमाइंड कराने की दोबारा जरूरत नहीं है, अभी ही बताया था। ओके एंड अगर नहीं रिमाइंड आ रहा है तो जरा 2-3 मिनट बैक जाकर देख लीजिए वीडियो को, तब आगे बढ़िएगा, जिससे कि आपको आसानी रहेगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ओके ये प्रोड्यूस हो गई, आगे कहाँ गया, मल्टीप्लाई होती हैं ये माइटोटिक डिवीजन से एंड इंक्रीज इन नंबर। देखिए ये माइटोटिक डिवीजन करती हैं एंड नंबर्स बढ़ा लेती हैं अपने, स्पर्मेटोगोनिया माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होकर अपने नंबर्स को बढ़ा लेती हैं। ईच स्पर्मेटोगोनिया इज डिप्लॉयड एंड कंटेन 46 क्रोमोसोम, ये जो स्पर्मेटोगोनिया इसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम। ओके आगे क्या बताया है, सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, कुछ स्पर्मेटोगोनिया को क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। अब ये मियोसिस डिवीजन में जाती हैं, मियोसिस डिवीजन करेंगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ टू इक्वल हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है मियोसिस करने के बाद क्या बनाएंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। एंड ये मियोसिस वन होने के बाद जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कैसा रह जाता है, हाफ रह जाता है, तो क्रोमोसोम्स कितने रह जाएंगे, सिर्फ 23। ओके डिप्लॉइड से हैप्लॉइड रह गया क्रोमोसोम का नंबर, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट ये हो गया, हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये हैप्लॉइड सेल्स हैं जिसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है, विच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम्स, इसके बारे में भी बात हो गई। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो सेकेंड मियोसिस डिवीजन करता है। जानते हैं ना मियोसिस दो होती है, मियोसिस वन मियोसिस टू, सेल डिवीजन वाले चैप्टर में इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना ही कि मियोसिस दो टाइप की होती हैं, आई थिंक आप जानते होंगे, और अगर नहीं जानते होंगे तो हम इसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे अभी। ये हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो द सेकेंड मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स, जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये मियोसिस सेकेंड करती है एंड 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बनते हैं। एंड स्पर्मेटिड्स से क्या बनेंगे, लास्ट में स्पर्म्स बनेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस, जो कि हमने अभी लास्ट में यहाँ पर पढ़ा था कि ये प्रोसेस होता है स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्मियोजेनेसिस में कौन मदद करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके सो इन सबको आप कंपैरिजन करके जरूर पढ़िएगा, याद रखिएगा। एंड स्पर्मिएशन के बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि जो स्पर्म्स बनने के बाद जो स्पर्म्स बाहर निकलेंगे उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मिएशन। सो आप कंफ्यूज ना होएं कि हाँ क्या लिखा है पेज पर, एक्चुअली मैं जगह नहीं थी, सो मैंने सोचा कि इसी पेज पर मुझे ये कंप्लीट करना है, तो मैंने ये साइड में लिख दिया। ओके एंड आगे क्या है, विच हैव, ये हो गया हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स बन गए, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द स्पर्मेटिड्स, आपको दिख ही रहा है कि स्पर्मेटिड्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23 ही होंगे ना, हैप्लॉइड है 23 क्रोमोसोम्स होंगे, सो आंसर भी मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया स्पर्मियोजेनेसिस, कि स्पर्म्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब ये जो स्पर्मेटिड्स बन गए हैं, ये स्पर्मेटिड्स क्या करेंगे, ये स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म होंगे स्पर्मेटोजोआ में। ओके स्पर्मेटिड्स ट्रांसफर होते हैं स्पर्मेटोजोआ में एंड इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। सो गाइस इन प्रोसेस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, स्पर्मिएशन क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या है एंड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोगोनिया क्या है, ये तो स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा प्रोसेस है एंड लोकेशन के बारे में बताया था यहाँ पर, ये पूरा प्रोसेस है। ओके प्रोसेस, तो आपको इन सब के बारे में कंफ्यूज नहीं होना है। ओके
क्योंकि इसी से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में. सो आई होप आप कंफ्यूज भी नहीं हो रहे होंगे. ओके, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म्स हैड बिकम एम्बेडेड इन दी सर्टोली सेल्स. स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म्स का जो हेड है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेडेड हो जाता है. किसके लिए? न्यूट्रिशन लेने के लिए. ओके, एंड आर फाइनली रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन. एंड फाइनली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर हो जाता है, एंड इस बाहर होने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्पर्मिएशन. ओके, आई होप ये गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा. ये प्रोसेस भी हमने अभी पढ़ लिया था, हमने इसके बाद में चढ़ गया है. अगर आप इस वीडियो को पूरी देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा ये प्रोसेस. एंड अगर ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें. मैं आती रहूँगी इसी तरह की नई वीडियोस आपके लिए लेकर. एंड कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में पूरी कोशिश करूँगी. ओके, थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.